आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहरिया के बारे में है, बहरिया टाउन लाहौर के बारे में, और बहरिया के तमाम प्रोजेक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा और इनके अंदर अवेलेबल कटिंग्स और प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स को डिफरेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता है रियल एस्टेट के बारे में। इस वक्त एक बहुत ही अच्छा दौर जा रहा है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मिनिमम बजट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो घर प्लॉट या कमर्शियल एक्टिविटी में जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही प्राइम वक्त है। इस वक्त मार्केट जो है थोड़ी सी अनस्टेबल भी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन इसके बाद क्योंकि सब जगह पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा बूम जो है वो अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इजीली जो है इस हुकूमत के रहते हुए या इसी कुछ टाइम पीरियड के अंदर एक कह लें कि 2 to 4 million का जो है वो ईज़िली बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। बहरिया टाउन में ऑलरेडी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। लाहौर के अंदर लोगों ने कमर्शियल्स बाय किए हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स बाय किए हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ बहरिया में इंस्टॉलमेंट्स पर भी आती हैं उनमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। मैं अगर रेट्स और प्राइसेस और कटिंग्स को ज़रा डिस्कस करूँ तो बहरिया के वैसे टोटल 6 प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 4 मरला से लेके अप टू जो है 2 केनाल तक की प्लॉट कटिंग्स मिल जाती हैं। इसमें कमर्शियल की आपको 5 मरला 8 मरला की कैटेगरी मिल जाती है। बड़े कमर्शियल्स भी कई जगह पे अवेलेबल हैं। सोसाइटी जो है वो अपनी अम्यूनिटीज़ के हिसाब से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हिसाब से बाकी तमाम सोसाइटीज़ से बहुत बेहतर है। इनके प्रोजेक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो अलहमद कलोनी जो है ये सबसे पहले आता है बहरिया का प्रोजेक्ट मॉडल टाउन के साथ। इसके अलावा अगर फिरोजपुर रोड पे जाएं तो बहरिया नशेमन और बहरिया ईएमसी जो है वो बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप रायवन रोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, केनाल रोड पे रोज़ गार्डन बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है इनका। इसके अलावा अगर आगे आ जाते हैं तो बहरिया टाउन एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड भी जो है वो भी एक जो है पूरा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का। इनमें अवेलेबल प्लॉट्स की कटिंग की बात की जाए और उनकी प्राइसेस को अगर हम डिस्कस करें तो 5 मरला का रेजिडेंशियल यूनिट कम से कम यूनिट है जो बहरिया में आपको अवेलेबल होता है रेजिडेंस के लिए। 5 मरला यूनिट की प्राइस 30 लाख से स्टार्ट होती है, 30 लाख के प्लस माइनस से। इसके बाद अगर हम 10 मरला की तरफ आएँ, 10 मरला जो है वो आपका 55 लाख 60 लाख से स्टार्ट होता है। अगर हम जो है इसके बाद अगर हम केनाल की अगर बात करें या 8 मरला की, अगर 8 मरला की बात करते हैं तो आपको जो है ये 50 से स्टार्ट होता है, 50 से 70 80 तक आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम केनाल की बात करते हैं, एक केनाल की जो प्लॉट्स की कटिंग है वो आपको 1.5 करोड़ में मिलती हैं। 1.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का बजट रखने वाले इजीली केनाल के प्लॉट्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 5 मरला कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल जो है वो तकरीबन 2 करोड़ के प्लस माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अप टू जो है वो आपका 6 करोड़ तक 8 करोड़ तक जो है इजीली चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे घर भी अवेलेबल हैं आपको। 5 मरला घर की कम से कम प्राइस जो है वो आपको 1 करोड़ 20-30 से स्टार्ट होके अप टू जो है वो आपको 2-2.5 करोड़ तक मिलती है। 10 मरला प्लॉट आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके अप टू 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक अवेलेबल है। इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर अगर आप इंस्टॉलमेंट का बजट रखते हैं और एक मिनिमम बजट रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहरिया आपको प्रोवाइड करता है वो कमर्शियल शॉप्स हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। ये आपको डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस डिफरेंट बहरिया के प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़े यूनिट्स होते हैं तो इनके अंदर आप इजीली 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनिशियली तौर पे अगर आप देखें तो आपको 9 लाख से लेके अप टू जो है 20-25 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट रिक्वायर होती है। इंस्टॉलमेंट मंथली आपकी जो है 25-30 हज़ार से लेके तकरीबन कोई 1-1.5 लाख रुपए तक बन जाती है। इंस्टॉलमेंट में घर भी आपको बहरिया में मिल जाते हैं, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर वो भी अवेलेबल हैं। विलाज बने हुए भी मिल जाते हैं अगर आप रेजिडेंस करना चाह रहे हैं, आपका बजट जो है 45-50 लाख के बजट के अंदर है तो आप रेजिडेंशियल यूनिट भी ले सकते हैं जिसे आप फर्दर रेंट आउट कर सकते हैं।
बहरिया में अगर रेंट्स की बात की जाए तो 5 मरला का जो यूनिट है वो कम से कम रेंट जो आप उससे गेन कर सकते हैं वो 40,000 पर मंथ है, और अच्छी लोकेशन पे है जिस तरह बहरिया टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड है, तो यहाँ पे आप 50-60,000 पर मंथ भी जो है वो रेंट गेन कर सकते हैं 5 मरला के घर के यूनिट से। अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, अपार्टमेंट्स के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके 50 लाख रुपीज़ लगते हैं आपके 50 लाख रुपीज़ की कॉस्ट आती है 1 बेड अपार्टमेंट के ऊपर, और इसी अपार्टमेंट से आप 35,000 से 40,000 रुपये पर मंथ जो है वो इजीली कमा सकते हैं। अपार्टमेंट्स को अगर आप होटल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है इसी अपार्टमेंट से 1.5 से 2 लाख रुपया भी महीने का कमा सकते हैं रेंटल इनकम की सूरत के अंदर। बहरिया के अंदर पॉलिसीज़ बहुत ही जो है वो बेहतर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाहौर की किसी सोसाइटी के अंदर इनके बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। बहरिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इसमें तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं आपको डोर स्टेप पर प्रोवाइड होती हैं, आपकी केयर की जाती है, यहाँ पे आपको जो है हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके डोर स्टेप पर ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, 24/7 सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है, वाटर सीवरेज के निज़ाम बहुत बेहतर हैं लाहौर से, और अगर हम देखें इसके अंदर तो आपको जो है इस वक्त गैस की फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया के अंदर तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप 2-6 मिलियन इजीली एक साल के टेन्योर के अंदर इजीली बहरिया, अगर आप आज बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट्स बाय करते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हैं तो आप 2 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक का बिज़नेस ईजिली कर सकते हैं, और ये गेन जो है ये नेचुरल है। इस वक्त मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इस अनस्टेबल हुकूमत की वजह से आने वाले वक्त में आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि आपका सरमाया जो है वो सेव होगा बहरिया के अंदर, और बहरिया की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत। बहरिया में ट्रांजेक्शन और ट्रेडिंग जो है डेली बेसिस पे जो है ना वो होती है, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश आउट करवाना चाहें तो सबसे ईजी जो है इस वक्त प्रॉपर्टी को बेचना बहरिया टाउन के अंदर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहरिया के बारे में मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट की फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर जो है इस वक्त वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, यही नंबर जो है वो अवेलेबल है ऑन व्हाट्सएप एंड ईमो फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।